जय हिंद। आप सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS की तरफ से निकली हुई क्लर्क्स की वैकेंसीज के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इस पे, जब इसकी वैकेंसीज आई थी करीब 8,000 प्लस पदों पर। दोस्तों, बैंक्स में क्लर्क्स की वैकेंसी IBPS की तरफ से निकाली गई है। तो इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए दोस्तों जो लास्ट डेट दी गई थी वो है 21 जुलाई 2024। लेकिन दोस्तों IBPS की तरफ से एक नोटिफिकेशन सॉरी एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें इस डेट को चेंज कर दिया गया है। तो वो डेट भी आपको मैं बताऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इट हैज बीन डिसाइडेड, जो डेट है उसके लिए चेंज कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें आप अप्लाई करेंगे, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने डिटेल में आपको बताया है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए दोस्तों अप्लाई करने का एक सेकेंड मौका IBPS की तरफ से दिया गया है। आप देख सकते हैं ये नोटिस जारी किया गया है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस। ओके, डिटेल्स ऑफ द रिवाइज डेट्स आर एस अंडर। तो पहले दोस्तों जो डेट्स थी वो 1 जुलाई से 21 जुलाई थी, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जिस्टिंग डेट्स। और अब जो डेट है दोस्तों रिवाइज डेट 1 जुलाई से 28 जुलाई है। मतलब आपके पास में एक बार फिर से मौका दिया गया है बैंक में क्लर्क बनने का IBPS की तरफ से। तो आप इस मौके का फायदा उठाइए। अगर आप किसी भी कारण की वजह से अप्लाई नहीं कर पाए थे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए और इस भर्ती में कैसे अप्लाई करना है ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो वीडियो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से जाकर आप देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों IBPS में क्लर्क्स के लिए जो है वो ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, लेकिन आप अगर 10th पास भी हैं और एक्स सर्विसमैन हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।